भारतीय सेना में जो है एक डायरेक्ट जो डी एंट्री का जो है प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, डायरेक्ट एंट्री जेसीओ बनेंगे अब सीधे, जो पहले एनसीओ जेसीओ वगैरह होते थे, जेसीओ को डायरेक्ट एंट्री किया जाएगा। वो किस काम के लिए लिए जाएंगे वो बताया है। देखो एक गजटेड ऑफिसर के तौर पर जो इसकी वैकेंसी आएगी वो किस तरह से आएगी, 25-30% जो है ऑफिसर्स की जो कमी के कारण जो है ये सब किया जा रहा है। 4 से 6 डीई जो है डायरेक्ट एंट्री जेसीओ हर मेजर यूनिट में होंगे। उसके बाद में जो स्ट्रेंथ ऑफिसर की 20, वहाँ पर 6 डीई होंगे, और जब 15 से 19 वहाँ 5 होंगे, 14 से कम वाले पर 4 डीई जो होते हैं वो होंगे। अब इनका रिक्रूटमेंट कैसे किया जाएगा, डायरेक्ट एग्जाम होगा जेसीओ का जो गजटेड ऑफिसर में काउंट है, इसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 25 साल की जो है एज होनी चाहिए उनकी, CDS SS भी इंट्री होना चाहिए, SCO जो आर्मी से भी बनते हैं वो भी बनेंगे, जो SSB क्लियर नहीं कर पाते उनको डायरेक्ट एंट्री करेंगे अभी, और इसके अलावा जो है प्री कमीशन ट्रेनिंग जो है वो 1.5 साल की इनकी ट्रेनिंग होगी जो डी भर्ती करेंगे। इनका NDIMA को जो है वहाँ से अथोराइजेशन करके 1.5 साल की जो ट्रेनिंग करेंगे। अब इनका रैंक देखे किस तरह से बढ़ेगा, असिस्टेंट नायब सूबेदार रहेंगे सेना में ये, उसके बाद में 1 साल में बन जाएंगे 6 साल में सूबेदार, 12 साल में कैप्टन, और मेजर बनेंगे 15 साल में, और 21 साल में जो है लेफ्टिनेंट कर्नल, और उसके बाद 25 साल में कर्नल। इनका ये प्रमोशन का है, इफेक्ट ऑफ सब यूनिट वगैरह जो है डेफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर के कारण है, रिडक्शन ऑफ ऑफिसर कैडर स्ट्रेंथ, इन सब की पूर्ति के लिए जो है एक अच्छी पहल भारतीय सेना में की जा रही है। धन्यवाद।